हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने लगभग उसके कैरेक्टर डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर और पढ़ना है जो हमने स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था, या जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है मेटल के बारे में जो हमें आज देखना है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कंडक्टिविटी। क्या है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? संचालन। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को आप क्या लिख सकते हो? दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये ऐसे चीज़ें होती हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजार सकता है, अलाउ करता है पास होने के लिए। यानी अगर आप मेटल्स के ज़रिए किसी भी हीट को छूते हो या फिर आप किसी इलेक्ट्रिसिटी को छूते हो, तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी उस मेटल के ज़रिए पास होके आप में भी फ्लो हो सकता है और आपको करंट लग सकता है, आपके हाथ जल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मेटल्स आप जो घर में इस्तेमाल करते हो, काफ़ी यूटेंसिल्स जो हो गए वो आप हीट करते हो तो वो गर्म हो जाते हैं और आप छूने से आपको क्या करता है, आपको लगता है वो गर्म लगता है, तो वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने वायर्स देखे होंगे या आपने पानी देखा होगा या आपने स्टील देखा होगा, तो इनसे भी इलेक्ट्रिसिटी जो होता है पास होता है और आपको क्या लग सकता है? करंट लग सकता है। सो ये कंडक्टिविटी में बहुत अच्छे होते हैं। दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल की बात करूँ तो इसमें आप बता सकते हो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एंड गोल्ड हो गया। तो ये सारे जो मेटल्स होते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये हीट और क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इनमें से भी अगर देखा जाए तो सिल्वर एंड गोल्ड जो होता है, दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के सबसे बेस्ट कंडक्टर, यानी सबसे, यहाँ पे मैंने गुड बोला है पर ये किस में आते हैं? बेस्ट कंडक्टर्स में आते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये कंडक्टिविटी के बारे में था। नेक्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टी है लास्ट, वो है डेंसिटी की बात कर लेते हैं, घनत्व। हिंदी में डेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं, यू कैन राइट दैट मेटल्स generally have high densities. Metals जो होते हैं, इनकी densities क्या होती है? High होती है, because all particles are tightly packed. जितने भी particles होते हैं वो क्या होते हैं? Tightly packed होते हैं, जिसके वजह से मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? जनरली हाई होती है। इसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी और सबसे लोएस्ट डेंसिटी किसकी है? तो स्टूडेंट्स, अगर मैं हाईएस्ट और लोएस्ट डेंसिटी की बात करूं, तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी जो होती है वो होती है ऑस्मियम की। ठीक है, ऑस्मियम एक टाइप का एलिमेंट है, मेटल के अंदर आता है। और सबसे अगर मैं लोएस्ट डेंसिटी की बात करूँ, तो लोएस्ट डेंसिटी जो होती है दैट इज़ लिथियम की। ठीक है, सबसे लोएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? लिथियम की होती है। और एक चीज़ और बता दूं कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट इनके जो डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, इसके वजह से इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होते हैं? हाई होते हैं। अब सबकी तरह इनमें भी एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस क्या है स्टूडेंट? जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी है, जितने भी मेटल होते हैं वो हाई डेंसिटी के होते हैं, बट
दो ऐसे हैं, दो या तीन ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा लो होती है, यानी वो ये प्रॉपर्टी उन पे सूट नहीं करती है, और वो एक्सेप्शन है सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए और कैल्शियम के लिए। तो ये किस में आ गए स्टूडेंट्स, ये एक्सेप्शंस में आ गए, किस में आ गए, एक्सेप्शंस में। कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये तीन ऐसे मेटल हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा लो होती है, ठीक है, बाकी सबकी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। तो स्टूडेंट्स ये दो कैरेक्टर्स हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किए थे। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। जैसे हमने मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अब हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेम टॉपिक आ जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। किसकी बात करते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल। तो फिजिकल स्टेट में क्या आता है, जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये तीनों फॉर्म में जो होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों फॉर्म में हमारे नॉन मेटल्स हो सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो एग्जांपल में आप सॉलिड के अंदर आप लिख सकते हो सल्फर, फॉस्फोरस। इसी प्रकार से अगर मैं लिक्विड की एग्जांपल दूं, तो इसमें आ जाता है आपका ब्रोमीन, और अगर मैं गैशियस की एग्जांपल दूँ तो इसमें आपके आ जाते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये सारे जो होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज़ अपियरेंस। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है अपियरेंस, अपियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये दिखते कैसे हैं। तो अपियरेंस की बात करूँ तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं डल। ये क्या होते हैं, डल होते हैं और नॉन लस्ट्रस होते हैं। आप लिख सकते हो दे आर डल एंड नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, ओके। लेकिन एक्सेप्शन है दो चीज़ों में, एक्सेप्शन किन किन में है भाई, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ये दो चीज़ ऐसी होती है जो दिखने में क्या होती है, लस्ट्रस होती है, चमकदार होती है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर डल एंड नॉन लस्ट्रस। क्लियर हो गया, अपियरेंस की बात समझ में आ गई। तीसरा जो इनका है दैट इज़ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। आपने मेटल्स के केस में पढ़ा था ना कि हम मेटल्स को बीट करके शीट्स में और वायर यानी पेपर में, और जैसे आपने एल्युमिनियम फॉइल की बात की थी, और वायर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शीट्स में कन्वर्ट करना या वायर में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है, मैल्युबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये तो ना ही मैल्युएबल होते हैं, नाइदर मैल्युएबल नॉर डक्टाइल। ये ना तो मैल्युएबल होते और ना ही डक्टाइल होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। सोनोरिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है, ये भी नॉन सोनोरस होते हैं, नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आवाज़ नहीं प्रोड्यूस करते, आवाज़ नहीं पैदा करते हैं। कहने का मतलब ये है, आपने मेटल्स का पढ़ा था, मेटल्स जो होते हैं दे हैव रिंगिंग साउंड। आप स्कूल में जो बेल, घंटी सुनाई देती है वो मेटल्स पे ही सुनाई देती है। नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं, यानी इनमें कोई भी रिंगिंग साउंड प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कंडक्टिविटी। व्हेन वी टॉक अबाउट कंडक्टिविटी, अभी हमने जैसे देखा कि मेटल्स जो होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना ही हीट पास होती है, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
नॉर हीट। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। एक्सेप्शन है स्टूडेंट, इनमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आता है ग्रेफाइट। एक्सेप्शन क्या आता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इनके वजह से, बैड कंडक्टर होने की वजह से, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो, वो क्या होते हैं? लो होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? लास्ट जो है दैट इज डेंसिटी की बात कर लें, तो मेटल्स के जो थे वो डेंसिटी क्या थे? हाई थे। बट नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।